फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और आज मैं एक नए ब्रीड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके साथ। जो ब्रीड है साउथ अफ्रीकन बोरबेल। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें पूरा। आज जो कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन है बोरबेल के बारे में वो मैं आपको जो भाई हैं हमारे नितेश भाई उनसे आपको इस वीडियो में दिलवाऊँगा। और सारा बेसिक चीज़ें जो बोरवेल को लेके हैं और जो आज इंडिया में ब्रीड हो रहे हैं बोरवेल और नितेश भाई क्या चीज़ें ब्रीड कर रहे हैं और किस तरह की ब्लड लाइन उनके पास है, तो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ब्रीड के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो नितेश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू भैया। आप ये बताएं कितने टाइम से आप ये बोरवेल रख रहे हैं? बोरवेल मेरे को रखते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं जी। उससे पहले मेरे पास रिजबैक्स थे काफ़ी, मैंने पर्सा कैनरी भी है और फिला भी रखा है उससे पहले, तो जर्मन शेफर्ड ब्रीड्स काफी रखी हैं, लेकिन बोरवेल मैं ऑलमोस्ट 2 साल से रख रहा हूँ। 2 साल से रख रहे हैं। ये कितनी एज है इस मेल की? 2 साल और 1-2 महीने का ही, ऑलमोस्ट 2 साल ही लगा लीजिए आप इसको। मैंने ये पिछले लास्ट अप्रैल में आया था मेरे पास, ये इम्पोर्ट किया है। इम्पोर्ट कराया मैंने। तो आप बताएं इस अपने इस डॉग के बारे में पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। ये मैंने साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट किया है, ट्विंस है उनका जिन कैनल का नेम है, उनसे मैंने ये लिया है साउथ अफ्रीका से। काफी अच्छा नाम है उनका, थोड़ा थोड़ा तेज बोलें, उनका काफी अच्छा नाम है वहाँ पे। तो मैंने सर्च करके काफी बोरवेल के बारे में, तब उनसे कि हाँ एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है डॉग का क्वालिटी के बेस पे, मैंने तब उनसे ये डॉग परचेज किया था अपना। अच्छा, तो अभी आप इसको ब्रीडिंग में भी यूज कर रहे हैं? हाँ, इसके मेरे पास पपी भी हो चुके हैं। अच्छा। और एक बार सेकंड फीमेल मेरी मैटेड भी है, तो होप सो अगेन फिर बच्चे आएंगे। आप नितेश भाई एक चीज और बताएं, बोरवेल का ब्रीड स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरह की ब्रीड है ये? भैया, एक तो ये वहाँ पे गार्ड फैमिली गार्ड होकर यूज पे प्रोवेस होती है। अच्छा, ब्रीड साउथ अफ्रीका में, तो इफ आप फैमिली के साथ कोई इश्यू नहीं इसको, और जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, सबसे मेन चीज यही है। बेसिकली ये गार्ड डॉग, गार्ड डॉग के भी फैमिली गार्ड डॉग में। इसकी डाइट वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दें इस वीडियो में। डाइट हम देने को तो ऑब्वियस सी बात है, बोलने कुछ भी बोलें, लेकिन मैं सब कुछ खिलाता हूँ अपने डॉग को। वहाँ पे तो उसकी डाइट अलग थी साउथ अफ्रीका, और वहाँ का एटमोसफेयर यहाँ का थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मैंने अपने हिसाब से जो डाइट देता हूँ अपने डॉग को वही इसकी दी है। तो आप ये भी बता दें ये कैनल आपका कहाँ पे है और यहाँ वेदर भी कैसा रहता है? कैनल का नाम SEZB कैनल है। SEZB कैनल है। इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरे डॉग्स के स्टार्टिंग में जब डॉग रखे उनके बेस पे जो नाम, चार डॉग्स उनके स्टार्टिंग कैपिटल वर्ड्स हैं फर्स्ट। अच्छा, आपके डॉग्स के जो नाम थे, S4 सैवी जो मेरी फर्स्ट जर्मन शेफर्ड रखी थी मैंने उसका, देन उसके बाद मैंने रिजबैक्स लिए, एली SEE4 एली आ गया, Z4 Jara जो वो भी मेरी रिजबैक की थी, तो और उसका B4 Blackie जो मेरी फिला ब्राजीली थी उस टाइम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने डॉग्स के नाम पे अपने कैनल का नाम रखा। काफी बंदों है। को लेने में इसको समझने में इशू आता, लेकिन मेरे को क्या डॉग्स के नाम, मुझे भी सुन के लगा कि ये क्या क्या नाम है ये कैनल का, क्योंकि मैंने सुना नहीं इस तरह का नाम। नहीं, वो होता है ना भैया एक अटैचमेंट, एंड जिसके बेस पे आपका कैनल रन हुआ है, जिन्होंने आपके नाम किया आपके डॉग्स में, उनको आप भूल जाएंगे तो फिर फायदा क्या? बिल्कुल। तो अच्छा, इस ब्रीड का थोड़ा सा बताएं, डिजीज और जैसे शॉर्ट कोट है तो मेंटेन करने में कितना इजी है? मेंटेनेंस काफी इजी है, मैं एक्चुअली स्मूथ कोट ही रखे खुश होता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस रहता है। बोरवेल में भी ऐसा कोई मेंटेनेंस का इशू नहीं आता है, आप इसको कैसे भी वेदर में रखें मेरे पास कोई इशू नहीं आया। अभी तक फैन में ही रख रहे हैं डॉग, आपको पता है डेली का टेम्परेचर अभी भी हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है। मैं वॉक पे भी लेता हूँ डॉग्स को, सुबह घुमा फिरा के लाता हूँ इसको अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है। और आपके सामने है बॉडी इसकी कैसी है, मेंटेनेंस कैसी है डॉग की। तो गर्मियों में जैसे दिल्ली में आप देखेंगे हम लगभग 48 से भी प्लस टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम पे कोई दिक्कत होती है इनको? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे लास्ट टाइम कोई इशू नहीं आया, तो नहीं आया। तो मैंने उचित, क्यों ऑब्वियस बात साउथ अफ्रीका ब्रीड, वहाँ का टेम्परेचर आपको पता है कितना आई होता है। हाँ, तो थोड़े रफ एंड टफ डॉग है। और साइज इसका, बॉडी वेट कितना चला जाता है एडल्ट डॉग? मैंने इसका जब चेक किया था, मैंने अभी चेक किया 6 महीने पहले चेक किया था इसका, जब इसका 75+ था। 75+ बॉडी। अच्छा अच्छा, तो बोरवेल का 70+ ही रहता है। और फीमेल्स कितनी है आपके पास? मेरे पास अभी 4 फीमेल है, वो भी इम्पोर्ट है। अच्छा, और ये मेल है हमारा, ये भी ये मेल है। तो अभी पप्स भी आपके पास हो रहे हैं? अवेलेबल है। अच्छा, पप्स ही आपके पास। तो आप जो बच्चे देते हो तो किस एज में और किस टाइम पे? मैं 2 महीने के बाद ही रेफर करता हूं, 2 महीने के बाद ही बच्चे सेल करता हूं अपने। फर्स्ट वैक्सीन 40 डेज पे फर्स्ट वैक्सीन होती है, उसके बाद भी जब आपको पता है 10 दिन के बाद उसके बाद इशू रहता है, तो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद ही बच्चा देना रेफर करता हूं। तो जैसे आप इतने टाइम से बोरवेल रख रहे हैं, तो आपको क्या फ्यूचर इस ब्रीड का इंडिया में लग रहा है? फ्यूचर है, डिमांड्स भी काफी है, बंदे इसको लाइक भी कर रहे हैं ब्रीड को। अच्छा, तो उस बेस पे मेरे को लगा। हाँ, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखना मेन है। क्वालिटी तो आप बता ही रहे हैं और हम वीडियो में देख रहे हैं, क्वालिटी तो आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। और बाकी अगर किसी को एक्चुअल में जो आप वीडियो में देख रहे हैं उससे बेटर डॉग ये है, अगर आप देखना है तो एक बार लाइव भी आके देखें तो शायद आपको और ज्यादा ये डॉग अच्छे। मैं कोई मेरे को बोरवेल के बारे में पूछता है उसको यही बोलता हूँ, विजिट करो, बच्चा लेना ना लेना सेकेंडरी है जी। आपको ब्रीड पसंद है तो आओ जी, देखो लाइव आके। नहीं, इस ब्रीड को पसंद तो करेंगे लोग, क्योंकि हमारा जैसे हम नॉर्थ रीजन में रहते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो शॉर्ट कोट के डॉग ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं। तो इसका फीमेल का लीटर साइज वगैरह कितना होता है? अभी मेरे पास 2 फीमेल हैं, 2 के लीटर आए, एक ने 7 पपीज दिए थे, एक ने 6 दिए, तो ऑलमोस्ट
है लीटर साइज, अच्छा 7-8-10 कप लीटर साइज है। और आप इस ब्रीड के बारे में क्या बताना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको कोई सुन रहा है, जैसे काफी लोग वीडियो देख रहे हैं, या और आपसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्या बताना चाहोगे, क्योंकि डॉग तो बहुत लोग रखते हैं, ब्रीड भी बहुत हैं, इस ब्रीड के बारे में स्पेसिफिकली आप क्या, आपको क्या लगता है कि आपको ये दूसरी ब्रीड से इस चीज में ज्यादा बेटर है? एक तो जिसको लार्ज डॉग ब्रीड पसंद है, दूसरा फैमिली गार्डिंग पर्पस से रखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली घर में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, टाइम तो हर डॉग को देना चाहिए, फैमिली गार्ड डॉग में यूज होता है, आप इसको घर पे रखिए तो फैमिली के साथ बिल्कुल कंफर्ट, छोटे बच्चों के साथ, मेरे भाई का बेटा है उसके कोई इशू नहीं है, फैमिली गार्ड के कोई इशू नहीं आता। कई लोगों का ये रहता है ना दिमाग माइंड में रहता है, माइंड सेट रहता है कि यार इतना बड़ा डॉग है, इसका हेड भी इतना बड़ा है, बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, तो क्या फैमिली में ये मैनेज हो पाता है या एग्रेशन उस तरह का? मेंटेन करने के ऊपर मैटर करता है कि हम डॉग्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, उसका खान पान, उसको देख दिखाओ क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम डॉग्स को पहले केयर नहीं करते, अलग से बांध के रहे, एग्रेसिव होगा, स्टार्टिंग से फैमिली के साथ रखेंगे तो एग्रेसिव नहीं होगा ना। अब जैसे आप, मैंने आपके फैमिली कर दिया डॉग, बिल्कुल जो मैं इसको सिंपल आपको वैसे दिखा था, मैंने तो ये ब्रीड वैसे पता तो है बट लाइव ये फर्स्ट टाइम देखा है, वो डॉग मेरे पास आया तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ उसने। हम डॉग्स मैं आपके पास इसीलिए ले गया कि वो कंफर्ट है, कोई इशू नहीं है, पता है एग्रेसिव नहीं होगा आपके ऊपर ऐसे, हाँ लेकिन मैं उसको पीछे छोड़ूंगा अलग से तो आप जाएंगे, मैं नहीं हूँ आपके साथ तो आपके ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, तो ये बोरबेल, और इसका जो मैक्सिमम जो हाइट है इस ब्रीड की, वो जैसे इनकी हाइट कितना होगी? और स्टैंडर्ड जो हाइट है उनकी 25-27 इंचेस तक है इनकी बोरबेल की। हाँ। और जो इससे बड़े बड़े मैंने कई वीडियोस में भी जैसे देखता हूँ तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े बोरबेल वो जो स्टैंडर्ड साइज है वो तो यही है, उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, यूज भी है तो, लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो 25-27 इंचेस तक का ये डॉग का। अच्छा, बॉडी वेट 70-80 केजी वो स्टैंडर्ड साइज में आता है हमारा। अच्छा, तो अगर कोई ये ब्रीड अगर रखना चाहता है, कोई बोरबेल को अगर लाइक करता है तो वो इजी इसको मेंटेन कर सकता है। नितेश भाई, एक चीज़ और मेरे माइंड में है, जैसे मैं खुद एक ब्रीडर हूँ तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इंडिया में भी KCI वाले जो है पेपर मिलते हैं। वैसे KCI, मैं वीडियो में बता देता हूँ, KCI एक प्राइवेट संस्था है, कुछ लोग, चार लोग या जितने लोग मिलकर चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट संस्था है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने पैसे चाहिए और पेपर देने हैं। बट जो ये तो KCI के बारे में रहा, बट जो लोग पेपर दे रहे हैं KCI के, बोरवेल के पेपर, जैसे आपने कहा कि बोरवेल के तो पेपर नहीं, तो वो क्या है फिर? बोरवेल अगर साउथ अफ्रीका से किसी का इंपोर्ट है तो सब पैटेगरी में है वो, और वो KCI में हो ही नहीं सकता, मैं रजिस्टर कर ही नहीं रहे, मेरे पास प्रूफ भी है उसका, आप चाहते हैं प्रूफ भी दे सकता हूँ आपको, मेरे पास प्रूफ के तौर पर रखा है, मैंने अप्लाई किया था पेपर। अच्छा, जो कि बोरबेल उस KCI वालों ने रिजेक्ट किया कि हम सबको लिख के दिया उस पर, बिल्कुल रिटर्न में है, तो वो आप दिखाएंगे हमें? दिखा सकता तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अगर कोई पेपर दे रहा है तो फ्रॉड हो, किसी के यहाँ से दूसरी लाइन से पेपर लेके और साउथ अफ्रीका डॉग बता के इम्पोर्ट करके वो गलत चीट कर रहा है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, नितेश भाई बोल रहे हैं कि अगर किसी ने साउथ अफ्रीका से बोरबेल मंगा रखे हैं इम्पोर्ट किए हुए, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे डॉग इंपोर्ट है और इंपोर्ट के पेपर आपको दे रहे हैं KCI के पेपर, तो वो सब फेक है, वो कोई इंपोर्ट नहीं है। चलो, ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आज आपने दी, और जो व्यूअर्स को पता लगा कि एटलीस्ट ऐसा भी, ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का भी ध्यान दें। और आगे किसी भी तरह की क्वेरी के लिए अगर कुछ पूछना है तो वो मैंने आपको बताया ही है, उसका नितेश भाई के सारी डिटेल्स हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। एक चीज़ और आप मुझे बताएं, जैसे लोग घरों में डॉग्स रखना चाहते हैं, अगर सपोज किसी के पास बड़ा घर है और घर में टाइल्स भी हैं या पत्थर किसी के पास लगे हुए हैं, तो जैसे ये बहुत ही ब्रॉड साइज की ब्रीड है, साइज भी बहुत बड़ा है और काफी वेट है, तो इनके जो हाइंड्स या लेग्स हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, उसको कैसे केयर करना है? अगर कोई बस सी बात है, कोई भी टाइल्स वगैरह वाला घर है, उनको डॉग रखना, तो बस डॉग्स को वॉक देना जरूरी है। अच्छा, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर उसको मॉर्निंग इवनिंग वॉक देंगे तो डॉग्स के लिए बेटर रहता है, कि उसको कोई भी डॉग पूरे दिन घर पे रहेगा तो लेजी हो जाएगा, और उसको वॉक देंगे तो सबसे बेटर है। नहीं, बट अगर किसी के पास उतना टाइम नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज की कितनी नीड है? रेगुलर एक्सरसाइज की तो नीड है, कोई भी डॉग हो तो कितना नीड है? ये लगा लो मेरे डॉग्स की रेगुलर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं सुबह ओपन करता हूँ इनको एक्सरसाइज के लिए, 1-1.5 घंटा इवनिंग में करता हूँ, तो ऑलमोस्ट घर पे रखे तो आधा घंटा तो मॉर्निंग चाहिए चाहिए। जिनके पास इतना टाइम नहीं है वो कैसे इस ब्रीड को रख सकते हैं? टाइम नहीं, छोटा स्पेस है उनके लिए, थोड़ा नाही रखे तो बेटर है, कि स्पेस का भी थोड़ा चाहिए डॉग्स। जैसे आपने ये ट्रेडमिल भी एक लगाया हुआ है यहाँ पे, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसका ऐसा कोई ट्रेडमिल रख के फिर वो एक्सरसाइज या कुछ इस तरह का? नहीं, मैं ट्रेडमिल बोरवेल को ऐसे देता नहीं एक्सरसाइज। अच्छा, देते नहीं है आप? नहीं, नहीं। अच्छा, तो फिर ये किसी दूसरे ब्रीड के लिए वैसे रखा था? अच्छा अच्छा, डाइट के लिए आप बताएं? डाइट भी मैं अपने डॉग्स को हर एक तरह की डाइट देता हूं, होममेड फीड भी देता हूं मैं, डॉग फीड भी देता हूं। कितना डाइट ये कितना खाते हैं ये लोगों का? 2 केजी से ऊपर डाइट चाहिए एक टाइम पे बोरवेल को, एक टाइम में 2 केजी? और वो किस तरह का खाना रहेगा 2 केजी? जैसे डॉग फीड है या फिर मैं जो 2 केजी में बना रहा हूं उसमें मेरा 300-400 ग्राम करीब डॉग फीड आएगा, आधा के जी करीब चिकन आएगा, देन होममेड फीड जो रहता है साथ में दलिया वगैरह सब कुछ चीज़ें मिक्स करता हूं। मिक्स करके आप देते हैं 2 केजी? मतलब वैसे चेंज करता हूं मैं, अपने डॉग्स को हर एक चीज़ खिलाता हूं। अच्छा, क्योंकि लोकलिटी के हिसाब से रखता हूं, मेरे को ये नहीं कि उसको बिल्कुल डॉग फीड पे रखना है या सिर्फ चिकन पे रखना है, मैं सीताफल भी खिलाता हूं सब्जियों में,
दलिया भी खिलाता हूँ, राइस भी देता हूँ। हाँ, वेजिटेबल्स तो डाल सकते हैं, चेंज करता हूँ उसे ना, डॉग्स को थोड़ा मेंटेन रहता है, चेंज होता रहेगा तो वो भी खुश होकर खाता रहेगा। जैसे काफी लोग, एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है, काफी लोग ना डॉग्स रखते हैं उनके पास, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ा पहले पूछा था कि अगर टाइम नहीं है तो फिर वो डॉग को कैसे संभाले, तो अपनी छत में, जैसे अगर किसी के पास बड़ी छत है तो रख सकते हैं। हाँ, फिर बेटर वो, तो फिर ये एग्रेसिव तो नहीं होंगे, जैसे अगर बाहर नहीं जाएंगे तो एग्रेशन तो नहीं आ जाएगा उस तरह का डॉग में। छत पे रहेगा तो डॉग घूमे फिरेगा, अच्छा बेटर रहेगा, उसको टाइम मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में रख सकते हैं। रख सकते, ठीक है। और डॉग शोज वगैरह के लिए अगर कुछ है तो ये ब्रीड तो इंडिया में डॉग शोज में जाती है? साउथ अफ्रीका की जो पेडिग्री वो सब्स है, ऐसे डबल बी एस, वो क्या होता है वहाँ की पेडिग्री, जैसे यहाँ पे हमारा केशिया ही है वैसे वहाँ का सब्स है, जिसको केशिया भी रजिस्टर्ड नहीं करता। अच्छा। और हमारा दूसरा कैनल इंडिया में यूकेशिया है, तो मैंने अपने डॉग्स को यूकेशिया में रजिस्टर कराया है। अच्छा। क्योंकि सब्स पेडिग्री मेरे पास, उसको अननोन में कराऊंगा तो यूकेशिया में हो जाएगा, लेकिन जब हमने इंपोर्ट किया है अच्छी क्वालिटी हमारे पास तो उसको यूकेशिया में पेपर की। बोरवेल को केशियाई रजिस्टर्ड नहीं करता? भी नहीं करता। अच्छा, ऐसा कुछ है। हाँ जी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें नितेश भाई ने दी। अगर किसी भी तरह की और अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नितेश भाई से बोरवेल के बारे में, तो आपको हमारे जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर या अपना नितेश भाई का भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप किसी भी तरह की जो क्वेरी है या कोई भी तरह की नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं नितेश भाई से, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो में कॉल कर सकते हैं या उनको मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़, नितेश भाई ने हमें वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ बताया था कि यार, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कॉल करें ना तो थोड़ा वर्किंग आवर्स में इनको कॉल करें, को ऐसे टाइम ना कॉल करें जैसे इन्होंने बताया यार कि मेरे को रात को भी कॉल कर देते हैं 1 बजे 2 बजे। तो प्लीज़, हमारे सब हमारे जो व्यूअर्स हैं सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको इनके बोरवेल अच्छे लगे तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इनको भी बताएं। और किस तरह से अगर आप लोगों ने बोरवेल रखे हुए हैं या किसी के पास हैं या इस तरह की ब्रीड्स हैं, तो और कैसे रख सकते हैं या कैसे इनको मेंटेन कर सकते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती हैं और हम उनको सबको रीड करते हैं। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दें, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप नितेश भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप भाई को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।